क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या हुआ, ठीक तो हो? एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ मैं अभी लाती हूँ। पागल हो गई है क्या? दिमाग ठिकाने है तेरे? कितनी अपशगुन करेगी हूँ? माँ मैं तो बस वो अक्षय ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी कर रही थी। ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तेरे इन्हीं हरकतों की वजह से 3 बार तेरा बच्चा गिर चुका है। यही चाहती है ना फिर से तो? ये क्या कह रही है माँ? ठीक बोल रही हूँ। कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि पहले 3 महीने बहुत ध्यान देना होता है, पर तुझे समझ ही नहीं आता। माँ तुम अपने कड़वे शब्द अपने पास नहीं रख सकती। तू चुप रह, मैं जो बोल रही हूँ इसी के भलाई के लिए बोल रही हूँ। बात कड़वी है लेकिन झूठ तो नहीं है ना? तुम मम्मा की बातों का बुरा मत मानो। मम्मा के गुस्से में तुम्हारे लिए सिर्फ चिंता है और कुछ नहीं। माना 3 बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार ऊपर वाले पर मुझे पूरा भरोसा है। और तुम देखना अक्षय, इस बार हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। चलो गर्भ के साथ भी तो कितनी सुंदर लगती है। हाँ? वाह। चुप कर, ये सब नहीं, मुझे अब अपना बच्चा चाहिए। अपने बच्चे के सपने देखना छोड़ दे, समझी? और क्या बच्चा 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 लगा के रखी है, है? आई बड़े बच्चे वाली है? जी वो देखिए ना,
दीदी ने कुछ टाइम पहले ये कपड़े पहुंचाए थे बच्चों के, अच्छे है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें धो देती हूँ, और अब तो इनकी जरूरत भी पड़ेगी ना। बच्चे नहीं चाहिए तो सीधे सीधे बोल दे, जानती नहीं क्या आखिरी महीने में ये भारी सामान उठाना कितना कितना हानिकारक हो सकता है। बहू क्या हुआ? मां पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुक रुक मां, मैं अभी अक्षय को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ अक्षय, बात होती है भाई। बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई है, उसका सर नीचे की तरफ नहीं है और माँ को भी कमजोरी है। डॉक्टर साहब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मामला तो सीरियस है, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब मुझे भले कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को बचा लेना। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों सलामत चाहिए। चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हिम्मत रखिए, मैं इनको जल्दी ओटी में बुलाता हूँ। नर्स तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। वादा करो अक्षय, अगर हमारे बच्चे और कुछ में से किसी एक को बचाना पड़े तो आप हमारे बच्चे को बचाएंगे। ये क्या कह रही हो दिव्यानी, ऐसा नहीं कहते। अक्षय मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं जीते जी वैसे ही मर जाऊंगी, प्लीज अक्षय हमारे बच्चे को बचा लो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षय मुझे पानी चाहिए। मैं भी लेके आया। अक्षय मुझे सांस नहीं आ रही, क्या हुआ बहन? मुझे सांस नहीं आ रही है। मुंह से सांस लो, अब ठीक लग रहा है? तुम्हारा पहला है क्या? इसीलिए इतना घबरा रही हो, मेरा दूसरा है, जब मेरा भी पहला हुआ था ना मैं भी ऐसे ही घबराती थी। तुम नहीं समझोगी बहन, मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तुम, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। धत ऐसे कोई बोलता है क्या? तुम देखना एक प्यारी सी गुड़िया आएगी तुम्हारे घर, मैं भी एक माँ हूं और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लो दिव्यानी, इन्हें शिफ्ट करना होगा ओटी में। सिस्टर मेरी वाइफ कैसी है, प्लीज कुछ तो बताइए। आप बैठ जाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कल मैं दरगाह जा रही हूँ ना, आपके परिवार और आपके बच्चे दोनों के लिए दुआएं मांगूंगी, और आप देखना कल जब आप मुझसे मिलोगे ना तो खुशखबरी जरूर सुनाओगे। थैंक यू सो मच। ऐसी हालत में तू शराब पिएगी तो बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा?
ये ले। ये आइडिया तेरा बहुत बढ़िया है, है ना? एक बेचारी गर्भवती औरत पर कौन शक करेगा। अब बता क्या खुशखबरी लाई हो? मिली है एक लड़की। अच्छा, और जल्द से जल्द डिलीवरी होने वाला है, तो पार्टी को बोल दे कि बच्चा मिल गया है। तो फिर काम कब से करना है? जल्द से जल्द। चल फिर, और ये ले तेरा बच्चा। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है बिल्कुल। और मेरी बच्ची? उसका वेट थोड़ा सा कम है, हम लोग कुछ दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। चिंता मत कीजिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ओके, टेक केयर। आपने देखी हमारी बच्ची कितनी प्यारी है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसी हो देवयानी? मैंने कहा था ना तुम्हें फूल जैसा बच्चा होगा। थैंक यू शब्बोदी, अगर आप नहीं होती तो मुझे हिम्मत नहीं मिलती। दीदी भी बोलती हो और थैंक यू भी, ऐसे नहीं मानूंगी, पहले मुंह मीठा करवाओ। अरे आपका क्या, मैं पूरे हॉस्पिटल का मुंह मीठा कराऊंगा। अभी लेके आया। आया अभी? हाँ। वैसे कहाँ है मेरी फूल सी बच्ची, चेहरा तो दिखाओ। वो उसका वजन कम है ना, इसलिए कुछ दिन वो हॉस्पिटल में ही रहेगी। अरे तो चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। यही बात मैं भी इसे कब से समझा रही हूँ, पर ये समझे तब ना। ने माँ के तजुर्बे को कभी नजरअंदाज नहीं करते बहन। ये देख बेटा, मैं मंदिर से लेके आई हूँ, बड़ी भीड़ थी आज। ये क्या है? बच्ची की हिफाजत के लिए है, हमारे कुलगुरु ने दिया है, इसे बच्चे को बांध देती हूँ। लाइए ना माँ जी, मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। अरे लाइए ना माँ जी, किसी बहाने बच्चे का चेहरा भी देख लूंगी। दीजिए ना माँ जी। ठीक है। बड़ी भली औरत है, नहीं तो आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो लोगों की इतनी मदद करें। डॉक्टर साहब ने कहा है ये घर जा सकती है और बच्ची को कुछ दिनों बाद ले जा सकता है। माँ, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अरे बहू, कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार डॉक्टर बोल दे तो उसे भी ले जाएंगे, तो चिंता क्यों करती है? आप ठीक हो ना? क्या कर रही हो तुम?
ये धागा पहनाने आई थी बच्चे को, बच्चे की माँ ने कहा था। ये मुझे दो और यहाँ ऐसे आना मत, चलो जाओ यहाँ से। हाँ। गया बाबा, आ गया। अक्षय जल्दी हॉस्पिटल चलिए ना, हम मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। हॉस्पिटल आप नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, आप घर पर रहेंगी और आराम करेंगी। अक्षय मैं भी साथ चलती हूँ ना, मुझे उसे गोदी में खिलाना है, अपनी बाहों में लेना है। अक्षय आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, प्लीज चलो ना। ओ मेरी प्यारी बीवी कितनी जिद्दी हो गई है, हालत देखो अपनी, इतनी कमजोर लग रही हो तुम। पर अक्षय, अरे बहू कभी तो बात मान लिया कर, हमेशा अपनी ही चलाती रहती है। तू रुक मेरे साथ यहाँ पे, जितना इंतजार तुझे है उतना ही हमें भी है। अब खड़े क्यों, जल्दी जाओ। बाबा जा रहा हूँ। माँ क्या हुआ, ठीक तो हो? हाँ, एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ मैं अभी लाती हूँ। अरे ला मुझे दे, एक माला बनानी नहीं आ रही है। किसी काम में मन लगता भी है तेरा? मन कैसे लगेगा माँ, मेरा सारा ध्यान तो सपना में लगा हुआ है। अरे वाह, नाम सोच भी लिया और रख भी लिया। नाम तो पहले ही सोच लिया था माँ, आप तो जानती है कि ये सपना कितने सालों बाद पूरा हुआ है। अगर आपने कोई नाम सोचा है तो आप वो रख सकती हैं। अच्छा है नाम, मैं डांटती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बातों से सहमत नहीं हूँ। माँ हूँ इसीलिए डांटती हूँ, अब तेरी बारी है तो तुझे भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लगता है वो आ गए। अकेले आए, बच्ची कहाँ है? अक्षय तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बच्ची कहाँ है? अक्षय क्या हुआ है, कुछ बोलिए। देखो अक्षय मुझे घबराहट हो रही है, बच्ची कहाँ है? अक्षय कुछ तो बोलो।
देखिए मैम, शांत रहिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आपकी बच्ची मिल जाएगी, पर प्लीज आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा। सबर? सबर? सबर क्या रखूं डॉक्टर? मेरी बच्ची घूम गई है और आप सबर की बात कर रहे हैं? अब हम शांत नहीं, आपके नाम की रिपोर्ट लिखाऊंगी मैं। पुलिस को बताने का कोई मतलब नहीं है, हमको हमारा काम करना आता है। काम नहीं, आप धंधा कर रहे। आप अपने हॉस्पिटल की इज्जत बचाने के लिए धंधा कर रहे। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस आएगी। बच्ची का तो छोड़ो, लेकिन उसकी माँ की आत्महत्या के लिए यहाँ पे पुलिस आएगी, समझे आप? अरे मैम, आप ये कैसी बात कर रही हैं? बेटा, ये क्या है? बच्चे की हिफाजत के लिए है, हमारे कुलगुरु ने दिया है। इसे बच्चे को बांध देती हूँ। लाइए ना माजी, मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। हमारे जीवन में हम कितने भी रिश्ते निभा ले, लेकिन माँ बाप बनने से बड़ा सुख और कोई नहीं होता है। एक परिवार में बच्चे के आ जाने से ना सिर्फ परिवार संपूर्ण होता है, बल्कि खुशहाल भी होता है। अक्षय और देवयानी कई सालों से एक बच्चे की आस में थे। 3 बार मिसकैरेज होने के बाद इस बार उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके घर में एक बच्चे की किलकारी सुनाई देगी, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। इतनी मन्नतों के बाद पैदा होने वाली बच्ची शायद उनसे छीनने वाली थी। क्या बच्चा चुराने से बड़ा और कोई गुनाह हो सकता है? सोना चांदी जवेरात तो वापस आ सकते हैं, लेकिन बच्चा तो अमूल्य है ना। नमस्कार, मैं दीपशिका नागपाल आपके पास एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जो एक गुनाह और माँ के बीच की लड़ाई की है। देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। अरे चुप! अरे चुप रही! अरे इसे चुप कराओ यार, हा? कितना चिल्लाती है ये? खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा तो। ऐसे क्यों लग रहा है कि तुझे इस बच्ची से प्यार हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी मत बोल। अगर ऐसा नहीं है तो सारा दिन इसके साथ बैठी क्यों रहती है? क्यों इससे बातें करती रहती है? देख शब्बो, ये बच्ची अपने लिए सिर्फ एक लॉटरी की टिकट है, तो बच्ची से प्यार करने की भूल मत करना, समझे? जीतू, हम लोग कितने बच्चों को चुराकर कितने परिवारों का गोद आबाद करते हैं ना। कोई खोता है तभी तो कोई पाता है। हा? कभी अपने बारे में सोचा है? मतलब मुझे भी अपना बच्चा चाहिए, पर मैं इसके लिए 9 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा चाहिए, मेरी भी अपनी परी हो, बिल्कुल मेरी अपनी। क्या बकवास कर रही है? बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए है क्या? अपने धंधे पे ध्यान देना, कभी वो तो बच्चे की रट लगा देती है। बढ़िया ही बच्चे वाली। बाहर पूछताछ में हमने एक औरत के बारे में पता किया है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें इस औरत की फोटो मिली है। शब्बू, यानी हमें आराम करना चाहिए। अक्षय, मेरी बच्ची मुझे ला दो।
दिव्यानी, पूरी कोशिश कर रहा हूं। पुलिस वालों को मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी हमें जरूर मिलेगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं अक्षय, जब तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं आराम नहीं करूंगी। ये देखो, ये हमारी बच्ची की रक्षा के लिए बांधा था और ये मुझे छत पर मिला था। इसका मतलब वो चोर हमारी बच्ची को हॉस्पिटल के दरवाजे से नहीं बल्कि छत के रास्ते से लेके गए थे। देखिए, ये बच्चा चोरी का पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस हमारे सामने आए हैं। बाहर पूछताछ में हमने एक औरत के बारे में पता किया है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें इस औरत की फोटो मिली है। शप्पू? ये तो शप्पू है, पर ये तो हमारी मदद कर रही थी। ये औरत बच्चा चोरी का काम पहले से कर रही है, अगर इस बार नहीं बचेगी। ठीक है, चलता हूं। अरे रे रे, मेरी गुड़िया है। ओ मेरे जान, तो फिर आ गया पीछे पीछे। तेरे वजह से मैं बच्ची को छत पर लेकर आई, दिन भर इसके सामने पीते रहता है तू, क्या असर होगा इस पर? और हटा इस बोतल को मेरे सामने से। अरे मेरी जान, बच्ची का सौदा पक्का हो गया है, खुशी में तो पीना बनता ही है। अब इसे छोड़ और अगले को पकड़ने की तैयारी कर। तू क्या करेगा? हाँ, मुफ्त की दारू पिएगा। हर बार मैं ही करती हूँ, इस बार तू जा, दिखा कोई कमाल, जब देखो मुफ्त का पीते रहता है। हाय मेरी जान, गुस्से में तू जस्ती नहीं है ना, तू फिक्र मत कर, इस बार मैं जाऊंगा। है दिव्यानी, खाना खा लो, खाना खा लो प्लीज। तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, इस तरह अपने आप को टॉर्चर करोगी तो ऐसा चलेगा। अक्षय, मैं कैसे खाना खा लूं? हर पल हर लम्हा बस मुझे यही ख्याल सताता है कि मेरी बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी, किन हालातों से गुजर रही होगी, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। पुलिस वालों पर भरोसा रखो, वो हमारी बच्ची को ढूंढकर जरूर लाएंगे। अक्षय, अगर पुलिस हमारी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई तो, अगर वो नहीं मिली तो, अक्षय मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। अक्षय प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लो। मैं जी पाऊंगा? तुम्हें क्या लगता, क्या मुझे मेरी बच्ची की याद नहीं आती? हमारी बच्ची हॉस्पिटल से गायब हुई है, ये
एक औरत हमें बेवकूफ बनाकर चली गई। आपको जिंदगी में कभी भी मैंने इतना बेबस इतना लाचार कभी नहीं पाया। बेटा तुम दोनों अपने आप को दोष देना बंद करो। जो कुछ हुआ इसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर वालों पे पूरा भरोसा रखो। माँ सही बोल रही है, बुराई अंत में हारती है। ऊपर वाली का सहारा और हमारी कोशिश ही हमारे बच्चे को बचाएगी। तुम देखना, अगर शब्बू शुरू से ही ये करती आई है ना, वो इस बार भी कोशिश जरूर करेगी। और ऊपर वाला हमें इस बार शब्बू तक पहुंचा के ही रहेगा। या तो शब्बों का लालच जीतेगा या एक माँ की ममता। देखना अक्षय, मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगी, ढूंढते ही रहूंगी मुझसे। भाई साहब जी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? चीज मांग रही हूँ, मेरा और इम्तिहान मत लीजिए। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में हमें इस औरत की फोटो मिली है। ये तो शब्बू है, ये तो हमारी मदद कर रही थी। ये औरत बच्चा चोरी का काम पहले से कर रही है। इस लड़की को कहीं देखा है? आ,
मैं इसे नहीं जानता। हेलो। अरे शब्बू, तू है कहाँ? घर पे। वो औरत है ना जिसका हमने बच्चा चुराया था, वो तेरी फोटो लेके तुझे ढूंढ रही है। तू वहां क्या कर रहा है? जल्दी से तू वहां से निकल समझा, और वापसी में ना फूलों की माला लेते हुए आना, मैं अपनी गुड़िया को पहनाऊंगी। ओके। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अरे रुको, शब्बो दो गुमनाम चेहरे थे जिन्होंने एक परिवार की जिंदगी तबाह कर दी, और उसकी वजह थी पैसा। आमतौर पर लोग जुर्म करते हैं गरीबी के कारण, क्योंकि वो आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जुर्म कर देते हैं जो माफी के लायक भी नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जुर्म करने वाले जीतू और शब्बो जरूर थे, लेकिन उनके साथ कोई और था, और वो कोई और हम में से भी एक हो सकता है। बच्चा ना होने की वजह से बहुत से परिवार चोरी हुआ बच्चा खरीद लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में तो खुशियों का रास्ता खुल जाता है, पर किसी और की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पर यहाँ एक माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। देखते हैं इस माँ की जीत होती है या नहीं। चुप हो जा गुड़िया, ले 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 ले। हे, हे, इधर इसको। ए जीतू, कहाँ लेकर जा रहा है तू इसे? अरे इसकी माँ चिंगम की तरह चिपक रही है, अभी तक उसने मेरा पीछा किया। अरे बड़ी मुश्किल से पीछा चुरा कर भागा हूँ। भला इसी में जल्दी से जल्दी पीछा चुरा ले। पीछा चुरा लो? ये मेरी बच्ची है, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी तुझे। पागल हुई क्या? ये बच्ची कब से चोरी हो गई? जब से मैंने इसे देखा है तब से। और तू इसे ना मुझसे अलग करने की कोशिश भी मत करना, समझा? तू बेवकूफी मत कर। इस बच्ची से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तू मेरी बच्ची है जीतू, मैं इसे नहीं बेचूंगी, समझा तू? मेरे बच्ची को शब्बो, मेरी बच्ची मुझे दे दे शब्बो। ये मेरा बच्चा है। तेरी बच्ची? ये तेरी बच्ची नहीं, ये मेरी बच्ची है। जब मेरी कोख में ये करवट भी बदलती थी ना, तब से एहसास है मुझे। जब अपने नन्हे नन्हे पैरों से ये मुझे पैर मारती थी, तब से उसका एहसास है। मेरे बोलने से या तेरे सोचने से ये तेरी बच्ची नहीं हो जाएगी शब्बो। देख अभी भी वक्त है, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे शब्बो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
देख, जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ। तू उस ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांग ले शब्बो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे शब्बो। शब्बो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मेरी बच्ची लौटा दे मुझे। चल दूर, नाटक मत कर, ज्यादा होशियारी की ना, तेरा बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। मेरी बच्चे को बच्चा चाहिए है? बच्चे मैं जो बोलूंगा ना तू वही करेगी, समझी? चल चल निकल निकलो, हाँ बच्चा चाहिए। अच्छा हुआ आपने फोन करके हमें बुला लिया। ये मेरी बच्ची है, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी तुझे। तो बेवकूफी मत कर, हा? इस बच्ची से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। जो मेरी बच्ची है जी तू, मैं इसे नहीं बेचूंगी, समझा तू? हेलो हेलो अक्षय, शब्बो मिल गई है, जल्दी आओ प्लीज। चाकूफे बच्ची ले जाओ अपनी, पकड़ो इन्हें, उसको भी पकड़ो। धारा 369 के हिसाब से शब्बो और जीतू को 10 साल से कम उम्र के बच्चे को चुराने के जुर्म में 7 साल की कैद हुई। सोचना यह है कि अगर इन 7 सालों में उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया होता तो क्या वो इज्जत की जिंदगी जी पाते? जवाब है हाँ, वो इज्जत की जिंदगी भी जी पाते और आज उन्हें जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता। देवयानी और अक्षय अपनी बेटी सपना से मिलकर बहुत खुश थे और धीरे धीरे वो ये हादसा भी भूल जाएंगे। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जुर्म हमारे आसपास पनप रहा है। हमें किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसी के साथ मैं दीपशिका नागपाल आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी क्राइम अलर्ट में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।